गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय गणेश जय गणेश। वैसे गणेशोत्सव की धूम तो भाभी जी घर पर हैं के तिवारी जी यानी कि रोहिताश के घर भी खूब देखने को मिली। देखे तो जरा कैसे रोहिताश और उनका पूरा परिवार मिलकर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर रहा है और इस खास मौके पर सभी जगह छाई है ढेर सारी खुशियाँ। बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि पिछले 2 साल से जो है कोरोना ने सबको घरों में बंद कर रखा था, तो जो उत्साह रह गया था वो हमने इस साल अपना पूरा निकाल लिया समझ लीजिए। तो काफ़ी उत्साह इस बार, तो शुरू से ही हमने कहा था कि बिठाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन भी हो गया है काफ़ी हद तक, हम लोग अब थोड़ा सेफ भी महसूस कर रहे हैं, केसेस भी कम हुए हैं, तो अब वैसे भी काफ़ी दुनिया खुल चुकी है, तो ये सोचा कि इस बार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। गणपति बप्पा के वक्त में ना इनको पता है हमारी डील हुई थी शादी के पहले ही कि जब मैं सिद्धिविनायक बहुत रेगुलर थी, मैं एवरी ट्यूसडे मैं सिद्धिविनायक जाती थी, जैसे सगाई हुई तो मैं इनको भी लेके जाना मैंने शुरू कर दिया। और हम सिद्धिविनायक के सामने उस वक्त बैठने की जगह थी होती थी मंदिर के एकदम सामने ही, तो हम वहाँ बैठते थे काफ़ी देर बात करते थे। तब मैंने कहा था शादी के बाद हम बप्पा लाएंगे घर पे, तो अगर है मुझे तो बोली है तो शादी नहीं करूँगी। नहीं नहीं वो जोक था, लेकिन इनको भी इतना अच्छा लगता था बप्पा के पास जाना, तो इन्होंने तभी तुरंत कहा कि हम बप्पा घर लाएंगे। तब से हम ला रहे हैं और ये इन्होंने बहुत वक्त दिया है, जब भी मौका मिला है, पहले 1.5 दिन के थे, अभी 5 दिन के गण पापा हैं, लेकिन अब क्योंकि ये कोरोना का टाइम है, थर्ड वेव का डर जो है, तो अब टाइम कम मिलता है, सो जितना भी समय इनको मिलता है बप्पा के वक्त में ये घर पे ही रहते हैं, हार्डली आते हैं कहीं, तो इनका होना बप्पा के साथ मतलब आई फील कि वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि अगर हम फैमिली साथ में मनाएं त्यौहार उनका गणपति चतुर्थी जो है हमारी है, तो वो मज़ा आता है। अदरवाइज़ इनका वेट करना पड़ता है, इनसे फ़ोन पे बात करनी पड़ती है और ये मिस करते हैं, तो वो बहुत दुख भी होता है। तो ये 2 दिन इस बार साथ में हमारे इत्तेफाक से मिल गए, मेरे को 2 दिन, इससे बड़ी बात और क्या होगी, हम सब खुश हैं। फ़िलहाल तो मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, ब्रांड शूट्स कर रही हूँ, और अभी मैं अभी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ और थोड़ा फिटनेस में भी अभी ध्यान दे रही हूँ। अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ एंड अभी मैं पूरी तरीके से स्टडीज़ पर फोकस कर रही हूँ, और उसके साथ ही साथ मेरी हॉबीज़ डांसिंग एंड एक्टिंग है, मुझे डांसिंग भी बहुत पसंद है, इंस्टा पर रील्स भी पोस्ट करती हूँ, पापा के साथ भी, दीदी के साथ भी और मम्मा के साथ भी, यूट्यूब चैनल पे कुकिंग करती हूँ। देखिए हर महिला को जो भी है उनको आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है जैसे एक पुरुष को है, तो हम थोड़े से खुले दिमाग के आदमी हैं, हमारी सोच वो वाली नहीं है। मैं चाहूँगा कि अगर वो आगे जाना चाहती हैं उन्हें बिल्कुल अधिकार है, पूरा अधिकार है जाने का, तो अभी अगर ये एक्टिंग का कीड़ा है और जेन्युइनली होगा तो मैं आगे ज़रूर सपोर्ट करूँगा, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसा लगता है हमें, हम कई बार के मुगालते पाल के भी चलते हैं जो, तो वो ना हो और जेन्युइनली हो तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर रास्ते भी खुद ब खुद खुलते हैं, लेकिन सिद्धि बहुत ज़रूरी है, सिद्धि उसके बाद प्रसिद्धि। और हमें बहुत सारी वेब सीरीज़ के भी ऑफर हैं, लेकिन हम एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं लगभग 25 दिन महीने के। तो अभी मेरे को एक नेटफ्लिक्स का भी एक वेब सीरीज़ का ऑफ़र था, लेकिन हम क्या करें, 45 दिन के लिए जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं आगे आने वाले टाइम में ज़रूर जाना चाहूँगा। और इवन हम प्रोड्यूस भी करेंगे, हम वेब सीरीज़ प्रोड्यूस करेंगे, अभी जल्दी आपको पता चलेगा, तो वो भी हो जाएगा। हाँ, Z5 पे हम करने जा रहे हैं अभी।